Hi guys, welcome back to RK Singh Vlogs. और आज हम करेंगे हमारी BS6 Strong की चेन क्लीनिंग एंड चेन लूप। मार्केट में काफी तरीके के चेन लूप और चेन क्लीनर्स होते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम ग्लॉसिल का यूज कर रहा है, क्या ताकि मेरे को रॉयल एनफील्ड वालों ने भी सजेस्ट किया कि आप ग्लॉसिल यूज कीजिए, वो बहुत अच्छा चेन ल्यूब और चेन क्लीनर रहता है। तो मैंने अमेजोन से ग्लॉसिल का चेन क्लीनिंग और चेन ल्यूबिंग का चेन मेंटेन किट पहले से मंगा लिया था। आप हम उसको ये नॉर्मली आपको 400 रुपीज़ का आ जाता है। आप मैं लिंक डाल दूंगा, आप चेकआउट कर लीजिएगा। और इसके साथ हमने ये ग्लॉसिल का ब्रश भी लिया है। ये ब्रश मेरे को कम से कम 240 का पड़ा है ऑनलाइन। इसकी ये है कि नॉर्मल ब्रश भी हमको 240-280 के आ जाते हैं या 180-100 के भी आ जाते हैं। उसमें क्या रहता है कि वो वन टाइम यूज एंड थ्रू रहते हैं। आप उसको एक बार वो उसके ब्रश में अंदर अटक गए सामान तो वेस्ट ऑफ यूज, आपको उसको फेंकना ही पड़ता है। ये ग्लॉसिल ने इस बार निकाला है कि आप इसके एक एक लॉक्स को चेंज कर सकते हो पर टाइम। 25 रुपीज़ के ये तीनों का किट आता है। आप बाद में 100 रुपीज़ ना वेस्ट करते हुए 25 का ये एक सेट ले सकते हो। उसमें आपके ये तीनों लग जाते हैं, गर्म पानी में डाल के या वॉश कर सकते हो नल आपके टैप के नीचे। तो आज हम करेंगे चेन लूप और चेन क्लीनिंग हमारे बाइक की। सो देखते रहिए। काफ़ी जन बुलेट और बाकी सब व्हीकलों का सेल्फ मार के गाड़ी की चेन ल्यूबिंग और चेन क्लीनिंग करते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए क्योंकि आपका कभी भी चेन यहाँ लग जाएगा और आपके हाथ की उंगलियाँ कट जाएगी। तो इसके लिए आप हमेशा अपने हाथ से ही आपका टायर घुमाइए और हाथ से ही चेन क्लीन कीजिए। अगर आप क्योंकि फर्स्ट गियर में गाड़ी की टॉर्क बहुत ज़्यादा रहती है तो उस वजह से आपका चेन में हाथ आ सकता है। और आप बाहर भी जाएंगे तो लोकल मैकेनिक्स वगैरह भी ऐसे ही करते हैं, मतलब यहीं से टायर घुमा के करते हैं। या बहुत जन 98% लोग सेल्फ मार के और गाड़ी स्टार्ट करके यूज़ करते हैं। तो हम नॉर्मल यूज़ करेंगे। सो हमने अब ये चेन लगा लिए। पहले आप नॉर्मल मार दीजिए ताकि आपका जो भी कचरा वगैरह रहेगा वो आ जाएगा। अब देखिए कचरा वगैरह जो था मेरे चेन पे वो ख़त्म हो चुका है। अभी है हमारे पास ग्लॉसिल का चेन क्लीनर। सो आपको कभी भी चेन क्लीनर में मारना है, आपको ऊपर नहीं मारना है, बीच में मारना है। सो हम कर रहे हैं। फिर आपको इसको छोड़ देना है थोड़ी देर के लिए ताकि आपकी जो चेन के अंदर की जो ओरिंग्स है ल्यूब और क्लीनर उस तक अच्छे से पहुंच सके। फिर काफ़ी टाइम होने के बाद आप क्लीन कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम फिर से करेंगे। अभी वो सूख चुका है नॉर्मली, सो अभी हम इसको क्लीन कर देंगे। तो अब हमारी हम इस प्रोसेस को एक बार फिर से दोहराएंगे। तो अब हम इस पे लगाएंगे इसका थर्ड माउंट ताकि हमें ओरिंग्स भी साफ करनी है। ओके, इसमें अपना थर्ड लॉक लगाएंगे ताकि हमें ऊपर से भी जो ओरिंग्स है वो भी साफ करनी है। तो हमने भी प्लेस करके आप देख सकते हैं जितना भी डस्ट और ग्रीस लगा था, क्योंकि फर्स्ट सर्विस में जब आप गाड़ी लेते हो तो आपको ग्रीस ही लगा के देते हैं और नॉर्मल ल्यूब्स, तो वो सब अभी डस्ट निकल चुका है। तो अभी हम इसमें सीधा इसको ल्यूब ही करेंगे कुछ टाइम बाद, मतलब आपको 10-15 मिनट्स दे रहे हैं ताकि आपका जो क्लीनर है वो ओरिंग से बरोबर हो के निकल जाए। और आपको यहाँ पर फिर बाद में कपड़ा मार देना आपकी रिम्स पे, क्योंकि आपकी रिम्स पे इसके जो एक्सटेंस जो अपनी एक्स्ट्रा यूज है, जब आप 50 किलोमीटर्स पर आवर के ऊपर जाओगे तो वो ग्रीस वगैरह स्पिट होके आपके पूरी मैकविल पे लग जाता है। सो इसके ना होने के लिए आपको 10-15 मिनट रुकिए, फिर आप माइक्रोफाइबर क्लॉथ से उसको क्लीन कर दीजिए। मैं आपको इसमें प्रोसेसर बताऊंगा, वीडियो को देखते रहिए। सो अभी हमारी ये जो चेन है वो पूरी तरह से क्लीन हो चुकी है। अभी हम इसमें लूप करेंगे ग्लॉसिल का चेन लूप। आप एक कैन से नॉर्मली 2 या 3 बार अपनी चेन लूप कर सकते हैं और आपको हर रोज़ नहीं करनी है, वंस इन अ मंथ आपको चेन लूप करनी है ताकि आपकी चेन में ल्यूब हमेशा रहे और
वंस इन अ मंथ आपको बहुत ही चाहिए, जब तक आप पानी में गाड़ी को ना चलाइए, जब तक आप ज़्यादा पानी में ना लेके जाइए गाड़ी को, तो आपको ल्यूब करने की ज़्यादा कोई ज़रूरत है नहीं और ना क्लीन करने की ज़रूरत है जल्दी जल्दी। सो हम अब इसको ल्यूब करेंगे। हमेशा लोग गलती करते हैं कि चेन ल्यूब यहाँ मारते हैं, यहाँ नहीं मारना है चेन ल्यूब, चेन ल्यूब आपको हमेशा ओरिंग से मारना है ताकि आपकी ओरिंग ल्यूब रहे। कर दिया है चेन में ल्यूब, हम इसमें एक बार फिर से ब्रश घुमाएंगे और फिर से इसको ल्यूब करेंगे। अगर आपको ये बार बार ना करना है तो एक सिंपल बेस्ट वे है, आप पेट्रोल यूज कीजिए। जैसे हम फर्स्ट ल्यूब और क्लीन करने से पहले पेट्रोल से कीजिए तो आपका ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा और जल्दी से जो डस्ट पार्टिकल है वो निकल जाएंगे। पर हम फिलहाल हमारे पास पेट्रोल नहीं है कोई रीज़न से, तो हम इसको नॉर्मल और ल्यूब और चेन क्लीन करेंगे। तो अब इसको ल्यूब करके हमें 10 से 15 मिनट हो चुके। तो अभी मेरे पास ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ है, आप कोई भी माइक्रोफाइबर क्लॉथ लीजिए और नॉर्मल से आप चेन से लगा के उसको साफ कर दीजिए नॉर्मल, ताकि जो आपकी एक्सेस रहेगी वो निकल जाएगा। उस वजह से जो आपकी रिम्स पे गंदगी नहीं आएगी। ये देखिए अभी इतना इस पे एक्स्ट्रा था, जो हमें यूज़ नहीं है वो सिर्फ हमारे मैकुल गंदी करेंगे। और आपको उंगली को इधर नहीं रखना है, आपको इधर रखना है ताकि आपका एक्सेस जो है वो बाहर की साइड हो जाए, वो साफ़ हो जाए। आप अगर ऊपर रखोगे तो आपके अंदर का ही साफ़ हो जाएगा। सो चेन ल्यूब करने का आपका यूज़ नहीं रहेगा उसमें। उसके बाद आप नॉर्मल मैक्यूल को भी साफ कर दीजिए साथ साथ में, ताकि आपके मैक्यूल पर बार बार कचरा ना आए और जो इसका स्पीडिंग है वो नहीं हो। सो गाइस, मिलती रही है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर आपने जो मेरे लास्ट वीडियो पे इतना सपोर्ट दिखाया, उसके लिए थैंक यू।